राम सारा ने जबरदस्त हरियाणा देखने लग रहे हो और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। मेरे पीछे थम देखने लग रहे हो पोस्टमार्टम कक्ष है हिसार के सामान्य अस्पताल का, सरकारी अस्पताल जो हिसार का है। और यहाँ अंदर जो है सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर जो गोवा से पहुंचा है कल रात वो यहाँ रखा है और 9 बजे के करीब यहाँ से शव को लेके और उनके फार्म हाउस ले जाया जाएगा जहाँ पे उनके फैंस, उनके परिवार के लोग, उनके रिश्तेदार जो हैं वो अंतिम संस्कार की कार्रवाई जो है वो पूरी होगी। और सोनाली फोगाट केस के बारे में अगर बातचीत करें तो सोनाली फोगाट के पर्सनल पीए जो निजी सचिव हैं सुधीर सांगवान, उनके खिलाफ हत्या और रेप का मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। साथ ही सुधीर सांगवान के जो साथी हैं सुखविंदर वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में अब तक हुई हैं और अब तक ये जांच का विषय है और अभी तक पता चला नहीं है कि हत्या अगर हुई है तो इसके कारण क्या रहे हैं। और कारण जो है वो शायद पुलिस रिमांड में उनसे जब पूछताछ होगी तो उस वक्त कुछ सामने आए, लेकिन अब तक बहुत सारे सवाल जो हैं हर आदमी की जहन में आए हैं कि सोनाली सबसे बड़ा सवाल तो है कि सोनाली फोगाट जिनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से गोवा में बताई गई है और उनका गोवा जाने का कोई प्लान था नहीं। हम आसपास देखने लग रहे हो हिसार के सिविल हॉस्पिटल में हम हैं और अलग अलग कोने से नेशनल मीडिया यहाँ पे है और पुलिस भी पीछे खड़ी देखने लग रहे हो। सिविल हॉस्पिटल में है, यहाँ जो पोस्टमार्टम रूम है उसमें शव जो है पार्थिव शरीर जो है सोनाली फोगाट का वो रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद 9 बजे के करीब इसका खुलने का टाइम है, जिसके बाद यहाँ से उनके शव को उनके ढंडूर वाले फार्म हाउस पे ले जाया जाएगा, जिस फार्म हाउस पे सोनाली फोगाट के कुछ जरूरी बात करें कागज और लैपटॉप वगैरह रखे थे और जो चोरी होने की बात परिवार ने आरोप जो है वो सुधीर सांगवान पर लगाए हैं कि उसने चोरी करवा दी है। ये सारा मामला, ये सारी गुत्थी अब तक उलझी हुई है और जिसपे अभी तक बहुत जांच पड़ताल के बाद शायद कुछ सामने आवे। लेकिन कई सवाल, जो पहला सवाल मैं बातचीत कर रहा था कि सोनाली फोगाट का गोवा जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सोनाली फोगाट गोवा पहुंचे हैं और वहां पर अचानक एक खबर आवे है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन उस दिन से लेके अब तक परिवार या उनके फैंस ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। शुरुआत से ही सवाल उठने शुरू हुए कि इस मौत के पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है, ये हत्या का मामला है और उसके बावजूद पूरा परिवार सीबीआई जांच की मांग इसमें करने लग रहा है। जो फैन थे वो लगातार यही बात करने लग रहे हैं और हिसार के सिविल हॉस्पिटल में स्टेम है। आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके ढंडूर वाले फार्म हाउस पहुंचेगा और उनको अंतिम विदाई जो है हिसार में दी जाओगी, जहां पे उनके फैंस जो है वो पहले से ही पहुंच गए हैं। हिसार से 9 बजे के आसपास जब पोस्टमार्टम रूम का दरवाजा खुलेगा तो उसके बाद यहां से शव को निकाला जाएगा और उनके ढंडूर वाले फार्म हाउस पर पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सोनाली फोगाट केस की ये नई अपडेट है कि आज सोनाली फोगाट का जो है अंतिम संस्कार जो है पूरे क्रियाक्रम जो है वो उनके ढंडूर वाले फार्म हाउस पे किया जाएगा। और सोनाली फोगाट केस की जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, हो सकता है क्योंकि पहले से ही सोनाली बार बार ये कहती रही थी कि उनके पास बड़े बड़े चेहरों के राज छुपे हैं और ये राज कौन कौन से थे। हालांकि एक जो बड़ा बदलाव इसमें है कि उनके फार्म हाउस से उनके लैपटॉप और कुछ जरूरी दस्तावेज जो हैं वो गायब बताए गए, वो चोरी हुए बताए गए और फार्म हाउस पर जो बंदा रहा करता, परिवार का आरोप है कि सुधीर सांगवान ने उस बंदे को वहां से लैपटॉप और बाकी जो सामान है वो लेके भगाया है वहां से, लेकिन उसका अब तक पता नहीं चला है कि वो बंदा है कहाँ और लैपटॉप वगैरह जो है वो कहाँ है। लेकिन आज उनके फार्म हाउस पर अंतिम संस्कार होगा और पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार और जो बाकी उनके फैंस हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, वो वहां पर सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम विदाई के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और थोड़ी देर में हम भी वहां से लाइव होंगे। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हिसार से सोनाली फोगाट केस में नई अपडेट है कि थोड़ी देर बाद सोनाली का शरीर जो है, पार्थिव शरीर, वो यहां से पोस्टमार्टम कक्ष हिसार के जो सामान्य अस्पताल है इससे लेके और उनके फार्म हाउस पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगा और इसमें नई अपडेट जो है वो हम थर थर देते रहेंगे। इस वक्त जो है
हम देखने लग रहे हो कि थोड़ी देर बाद जो उनके परिवार के कुछ लोग आएंगे और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रूम से उनका पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ से निकाल के ले जाया जाएगा। इस मामले में लगातार उनका परिवार सीबीआई जांच की मांग करने लग रहा है और बड़े सवाल उठे हैं कि बीजेपी नेत्री टिकटॉक स्टार बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट जो अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखा करती, हेल्थ कॉन्शियस जो इतनी थी और उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत जो है पचन वाली बात नहीं है, किसी के भी नहीं पच रही है और लगातार जो आरोप हैं वो हत्या के लगाए जा रहे हैं। इस हत्या में 2 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं और पुलिस रिमांड के बाद हो सकता है कोई कुछ नए खुलासे इस मामले में हो। ये गोवा पुलिस ने अब तक 2 गिरफ्तारी करी है और लगातार परिवार जो है हरियाणा की बीजेपी सरकार से भी यही उम्मीद लगा रहा है कि वो उनका साथ दे। शुरुआती अगर बात करें तो सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका जो हैं वो जब वहां पहुंचे थे तो उन्होंने वहां से लाइव आके उनके पेज से ये जानकारी दी थी कि गोवा पुलिस जो है उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो पर्सनल पीए निजी सचिव जो थे सुधीर सांगवान उसके ऊपर रेप के मामले में कल FIR दर्ज हुई है और कल दूसरी जो गिरफ्तारी है वो सुधीर सांगवान के साथी जो SS सुखविंदर हैं उनकी हुई है। इससे पहले सुधीर सांगवान को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन FIR जो दर्ज हुई है कल परिवार की तरफ से जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें रेप के आरोप जो परिवार की तरफ से लगाए गए हैं और एक खास बातचीत जो सोनाली के शव का पोस्टमार्टम जो गोवा में हुआ था उसमें उनके चेहरे पर चोट के निशान आए गए हैं। अगर ये भी एक बड़ा सवाल इस मामले में है कि अगर मौत जो है वो हार्ट अटैक से हुई है तो चेहरे पे चोट के निशान कैसे हैं, बहुत सारे सवाल हैं। और खास बात रही कि सोनाली फोगाट के पास किन किन लोगों के राज थे, वो राज शायद अभी जांच का विषय है और अगर उनका लैपटॉप रिकवर हुआ है, बरामद हुआ है तो शायद उसके बाद कुछ चीजें सामने आए। पीछे पोस्टमार्टम कक्ष है, हम फिर बताने लग रहे हैं हमने कि सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर जो है वो यहाँ शवगृह में मोर्चरी में रखा है और यहाँ हिसार के सिविल हॉस्पिटल से 9 बजे का हम देखने लग रहे हैं, सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक ये दरवाजा खुलेगा और 9 बजे खुलने के बाद यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके ढंडूर वाले फार्म हाउस ले जाया जाएगा जहाँ पे हजारों उनके शुभचिंतक, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग जो हैं वो इनकी अंतिम विदाई में इकट्ठा होने लग रहे हैं और थोड़ी देर बाद हम अंतिम विदाई के उनके फार्म हाउस से भी हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव जुड़ेंगे आपके साथ। और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, हम आप नई अपडेट के साथ फिर आते रहेंगे। राम राम।